आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुम्हार के घर जा सकते हैं, आप कुम्हार के घर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। किन परिस्थितियों में कुम्हार रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति गरीबी से बाहर आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, और इससे बच्चों में संवेदनशीलता जगेगी। मिट्टी से कैसे सुराही बनती है, मटके बनते हैं, घड़े बनते हैं, बच्चे ये सब देखेंगे। अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष नजर आएगी। ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत प्रमुख तत्व है। साथियों, अनोखे प्रयोग करने वाले, और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है, लेकिन मैं अपने बचपन की एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक। वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को दे कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम तूर की दाल 10 लेके आना। चौथे को कहते थे तुम 10 चने ले आना। हरे से कुछ न कुछ ऐसा 10-10 मंगवाते थे। उस बच्चा घर जाते याद रखता था, मुझे 10 लाना है, 10 लाना है, 10 नंबर फिक्स हो जाता था। फिर मुझे गेहूं लाना है कि चावल लाना है, तो उसके दिमाग में रहा। घर जाते पहले अपनी माँ से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है। सुबह तक उसके दिमाग में वो चावल और 10, चावल और 10 ये बना रहता था। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे, और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को, अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो। दूसरे कहते थे तुम 3 चने निकालो। तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी एक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। जब हम एक साल पूरा हो गया, अगले साल गए तो भी वही टीचर थे, तो उन्होंने फिर से वही कहा। तो मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने ये करवाया था, दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया। उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी, और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी। दोस्तों, एक टीचर जब आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो कैसे करता है, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता था। हमें गिनती के बारे में पता चला, हमें दालों के बारे में पता चला, हमें रंगों के बारे में पता चला। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ हमारी पढ़ाई कराते थे। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है, और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबको निभानी ही है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है वो हमारे गांव देहात और छोटे शहरों को शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है। ये प्रावधान है मातृभाषा में पढ़ाई का। हमारे देश में अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तक ही सीमित रही थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्राथमिकता मिलने लगी। माता पिता भी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। इसका नुकसान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है मुझे मालूम नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप सोचेंगे इस विषय पर, इस सरकार की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। क्या हुआ? जब ये अंग्रेजी चलने लगा तो गांव देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों शिक्षकों को जो कि मातृभाषा में पढ़कर निकल रहे थे, वो कितने ही अच्छे शिक्षक हो, लेकिन उनको अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब उनके लिए नौकरी का खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल चल गया। आपकी नौकरी और आप जैसे साथियों की भविष्य में भी नौकरी निश्चित करने के लिए हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जो मेरे शिक्षक के जीवन को बचाने वाला है। दशकों से हमारे देश में यही चलता रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा। नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगी।